जय श्री राधा माधव। श्रद्धेय सेठ जयदयाल गोयनका जी के प्रवचनों से प्रेम होने के उपाय। तुमने भगवान में प्रेम होने का उपाय पूछा, सो ठीक है। प्रेम होने के बहुत से उपाय हैं, जिनमें से कुछ लिखे गए हैं। पहला, भगवत भक्तों द्वारा श्री भगवान के गुणानुवाद और उनके प्रेम तथा प्रभाव की बातें सुनने से अतिशीघ्र प्रेम हो सकता है। भक्तों के संग के अभाव में शास्त्रों का अभ्यास ही सत्संग के समान है। दूसरा, श्री परमात्मा के नाम का जप निष्काम भाव से और ध्यान सहित निरंतर करके अभ्यास से भगवान में प्रेम हो सकता है। तीसरा, श्री परमात्मा के मिलने की तीव्र इच्छा से भी प्रेम बढ़ सकता है। चौथा, श्री परमात्मा के आज्ञानुकूल आचरण से, उनके मन के अनुसार चलने से उनमें प्रेम हो सकता है। शास्त्र की आज्ञा को भी परमात्मा की आज्ञा समझनी चाहिए। पांचवा, भगवान के प्रेमी भक्तों से सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई श्री परमात्मा के गुण प्रभाव और प्रेम की बातें निष्काम भाव से लोगों में कथन करने से भगवान में बहुत महत्व का प्रेम हो सकता है। उपयुक्त पांचों साधनों में से यदि एक का भी भली भांति आचरण किया जाए तो प्रेम होना संभव है। मान अपमान को समान समझकर निष्काम भाव से सबको भगवान का स्वरूप जानकर सबकी सेवा करनी चाहिए। यों करने से भगवत कृपा से आप ही प्रेम हो सकता है। सब में भगवान का भाव होने पर किसी पर भी क्रोध नहीं हो सकता। यदि क्रोध होता है तो समझना चाहिए कि अभी वह भाव नहीं हुआ। चित्त में कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो उसी में आनंद मानना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ उस प्रभु की आज्ञा से और उसके मत के अनुकूल ही होता है। यदि प्रभु के अनुकूल होता है तो फिर हमको भी उसकी अनुकूलता में अनुकूल ही रहना चाहिए। उस परमात्मा के प्रतिकूल और उसकी आज्ञा बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। इस प्रकार निश्चय करके प्रभु की प्रसन्नता में प्रसन्न होकर सब समय आनंद में मगन रहना चाहिए। जय श्री राधा माधव। नारायण नारायण नारायण।